अगली खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताते हैं। दिल्ली के मलकानगंज इलाके में गुस्साई भीड़ ने एक डीटीसी बस पर जम करके पत्थरबाजी की। दरअसल इस बस ने स्कूल से लौट रही एक छात्रा को कुचल दिया, जिसके बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। देखिए पूरा अपडेट आप भी। बस के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, कुछ लोग बस के अंदर घुसकर कैमरे और शीशे तोड़ रहे हैं। बस के आसपास लोगों की भयंकर भीड़ जमा है। हंगामा कर रही भीड़ ने बस के सभी शीशे तोड़ दिए हैं। बस में तोड़फोड़ इस कदर की गई है कि आगे से पीछे तक और हर तरफ पत्थर बरसाए गए हैं। ड्राइवर बस छोड़कर भाग चुका है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की इस बस को अपने कब्जे में लेकर लोग पत्थर, लाठी, डंडे बरसा रहे हैं, जैसे कोई दंगा हुआ हो या किसी बात का गुस्सा उतार रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, परिवार में मातम पसरा हुआ है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। मामला उत्तरी दिल्ली के मलकागंज इलाके का है, जहां तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूल से लौट रही 8वीं क्लास की छात्रा को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इलाके के लोग छात्रा को अस्पताल ले गए। इसी दौरान छात्रा की मौत हो गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने बस चालक को पकड़ लिया और मारपीट की और बस पर जमकर पथराव कर उसे चकराचूर कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं 12 साल की मृतक छात्रा के घर में मातम पसरा हुआ है।